सोमवार को मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सपा नेता महेंद्र सिंह चौहान की पिटाई करने वाले करणी सेना के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने नाटकीय तरीके से मंगलवार को जिले के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान देवेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करेगा उसके साथ। वहीं सोमवार की घटना को लेकर के सपा नेता महेंद्र सिंह चौहान ने क्या कहा था, सुनिए। किसी कौम को आप इस तरह से जूता नहीं मारना चाहिए, वो समाज के आदमी है, ठीक है, गलती करते हैं तो कोई वीडियो जारी करके हैं उन लोगों को आप भाई सजा दीजिए, भाई पार्टी से निकलवाइए, लेकिन समाज को ये गलत संदेश जा रहा है, समाज हमसे पूछ रहा है। तो हमने कहा भाई समाज हमको भाजपा को वोट दिया और भाजपा के लोग ही उनको जूते से मार रहे हैं तो समाज समझे। और ये कह रहे हैं कि हमको जो है गाली रहे, हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने तो ये कहा है कि समाज को इस तरह से समाज में रहने वाला व्यक्ति। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा नामित मधुबन नगर पंचायत में सभासद राहुल दीक्षित ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके बाद से मऊ जिले की राजनीति में अब हलचल मच गया है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने दारा सिंह चौहान के पोस्टर पर जैसे ही जूतों की बरसात की, चौहान जाति के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। उसके बाद से ही जनपद में अब जातीय राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चौहान जाति के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे अपने जातीय को लामबंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि दारा सिंह चौहान के पोस्टर पर जूतों की बरसात पूरे चौहान समुदाय पर हमला है। हमारे वोट के बल पर शासन में बैठकर हमारे ही ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर जुल्म जातीय न्याय अत्याचारी लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो जब 2022 का चुनाव आएगा तो उस दिन हम न्याय ले लेंगे इनको। क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पे, खुलेआम है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज तक तो इतनी गुंडाई कभी भी नहीं हुई है जो आज हो रही है, और सत्ता के संरक्षण में गुंडाई हो रही है। मैं अभी सिटी मजिस्ट्रेट के सामने उदाहरण दिया था आप लोगों के साथ। इसके साथ ही सपा नेता महेंद्र चौहान पर करणी सेना के द्वारा जो हमला किया गया है उससे सपा और भाजपा में भी काफी टकराव हो रहा है। करणी सेना भाजपा समर्थित एक संगठन है, ऐसे में जनपद में भाजपा और सपा के बीच, सवर्ण और पिछड़ों के बीच एक राजनीतिक गरमाने लगी है। चौहान जाति के लोगों का कहना है कि हम पिछड़े जाति से आते हैं, ऐसे में भाजपा के लोगों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। हम लोगों ने ही भाजपा को वोट दे करके आज सरकार बनाया, आज हम ही लोगों पे हमला हो रहा है। सांसद ने एक पूर्व मंत्री पर का वर्कर मुख्यमंत्री जी को के बारे में अपशब्द कहा, जिसकी हम निंदा करते हैं, तो अपने मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं मार सके, उस बिरादरी के एक चौहान वर्कर को मार दिए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का वर्कर है। जिलाधिकारी के घर के ऑफिस के 50 मीटर पर बेधड़क गुंडे मार रहे हैं, असलहे लेकर मार रहे हैं, और यह आरोप लगा के मार रहे हैं, झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। पूरे प्रदेश में यही माहौल हो गया है। जिस किसी से भी जाति दुश्मनी निकालनी है, जिस किसी को भी मारना है, और विशेष करके समाजवादी पार्टी के वर्करों को मारना है, तो बस सीधे एक बहाना मिल गया है, बस यह बहाना बना लो कि जोगी जी को गाली दे रहा।